जानना चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं, या फिर आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया और टेस्ट रिजल्ट में आपको एक लाइन हल्की कलर की दिखाई दे रही है, या फिर अगर आप गौर से देखते हैं तो टेस्ट में आपको एक धुंधली कलर की लाइन नज़र आ रही है, जिसका मतलब आपको नहीं पता है कि आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या फिर आपने टेस्ट किया और कुछ टाइम के बाद जो लाइन है वो डार्क हो रही है, जिससे आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से भी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो रही है, या फिर अगर आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एप्टोपिक प्रेगनेंसी के आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, या मोलर प्रेगनेंसी के आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, या फिर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आप पता करना चाहते हैं कि वो अच्छे से ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इन सभी कंडीशन में प्रेगनेंसी को पता लगाने का जो सबसे बड़ा टेस्ट माना जाता है बीटा एससीजी, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीटा एससीजी टेस्ट कब करना चाहिए। जानना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो के साथ, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि बीटा एससीजी क्या होता है। बीटा एससीजी की फुल फॉर्म होती है बीटा ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और ये एक हार्मोन का नाम होता है। ये हार्मोन यूजली प्रेगनेंसी के टाइम बच्चा बनाता है। होता ये है कि जब बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो इम्प्लांट होते ही इस हार्मोन को बड़ी तेजी से बच्चा बनाना स्टार्ट करता है। बच्चा इसलिए इस हार्मोन को बड़ी तेजी से बनाता है क्योंकि अगर बच्चा इस हार्मोन को नहीं बनाएगा तो लगभग 5 से 7 दिन के बाद महिला को पीरियड्स आ जाएंगे, और पीरियड्स की ब्लीडिंग के साथ बच्चा जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो ये हार्मोन है इसको पता लगाने के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम होता है सीरम बीटा एससीजी, शॉर्ट में बोलें तो बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट या टेस्ट। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट मेडिकल की किन किन कंडीशंस में होता है, कैसे होता है और कब होता है। तो जो बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट है ये बहुत ही हाई लेवल का प्रेगनेंसी को पता लगाने वाला टेस्ट है। ये जो टेस्ट है गाइज ये बड़े बड़े केसेस में यूज़ होता है, जैसे कि IVF के केसेस, IUI के केसेस, या फिर ऐसे केसेस जहाँ पर बहुत सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद किसी को प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो, या फिर आप किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहते हो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर शुरुआती टाइम में, और आप कंफर्म करना चाहते हो कि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर डॉक्टर को या फिर पेशेंट को किसी भी टाइप का डाउट है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कि उन्हें प्रेगनेंसी है भी कि नहीं, या आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, अल्ट्रासाउंड में आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी दी गई है क्वेश्चन मार्क के साथ में, मोलर प्रेगनेंसी दी है, या फिर कभी कभी अल्ट्रासाउंड में आपको मिसकैरेज या अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर करके रिपोर्ट आती है और आप कंफर्म करना चाहते हैं कि भाई आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है, या फिर ये प्रेगनेंसी आगे ग्रो होगी कि नहीं होगी, तो इन सभी कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए, पता लगाने के लिए बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो ब्लड टेस्ट है ये कैसे किया जाता है। तो इस टेस्ट को करने के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है, और इस टेस्ट को करने से पहले आपको किसी भी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप जाकर लेबोरेटरी में अपना सैंपल दे सकते हो। आपको खाली पेट जाना या फिर खाना खाकर जाना, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में आप कभी भी ये ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए किसी भी स्लिप की ज़रूरत नहीं होती है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपनी मर्जी से ये ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट कब करना चाहिए। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट है ये बहुत ही हाई लेवल का प्रेगनेंसी को पता लगाने वाला टेस्ट है, जिसे डॉक्टर भी यूज़ करते हैं और पेशेंट भी यूज़ करते हैं अपनी प्रेगनेंसी को पता लगाने के लिए। अब आपको ये टेस्ट कब करना चाहिए ये आपकी टोटली कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन किस टाइप की है। तो इन कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो नंबर वन कंडीशन है कि अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आपको एक लाइन हल्की दिखाई दे रही है या फिर धुंधली कलर की दिखाई दे रही है, और आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आपको एक्चुअल में प्रेगनेंसी है कि नहीं, तो आप बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। कब करवाना है?
तो जिस दिन भी आपका रिलेशन हुआ है उस दिन से एग्जैक्ट 14 दिन पर या 14 दिन के बाद आप कभी भी बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। रिपोर्ट में जो बीटा एसीजी की वैल्यू अगर 100 या 100 से ज़्यादा आती है तो आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। फिर अगर आपको कंफर्म करना है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छे से ग्रो हो रही है, किसी टाइप की खराबी तो नहीं है, तो बीटा एसीजी को आपको दोबारा से रिपीट करना होता है। तो देखिए एक टेबल मैंने बनाई है, उसको आपको समझना पड़ेगा और उस टेबल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है बीटा एसीजी की उसके अकॉर्डिंग आपको दोबारा से ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर बीटा एसीजी की वैल्यू पहली रिपोर्ट में अगर 0 से 1200 के बीच में आती है तो दूसरी बार आपको बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट 36 से 72 घंटे के बीच में कराना होता है। अगर बीटा एसीजी की वैल्यू 1200 से 6000 के बीच में आती है तो आपको बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट 72 से 96 घंटे के बीच में कराना है। अगर बीटा एसीजी की वैल्यू 6000 से ज़्यादा आती है तो आपको बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट 96 घंटे के बाद कराना होता है। जब आप दोबारा से ब्लड टेस्ट कराओगे और अगर बीटा एसीजी की वैल्यू दुगनी हो जाती है तो आप ऐसा मान के चलें कि आपकी जो प्रेगनेंसी है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। बट अगर बीटा एसीजी की वैल्यू कम हो जाती है तो आपको आगे टेस्ट करवाने होते हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन की बात थी। अगली कंडीशन होती है IVF की। तो देखिए अगर आपका IVF हुआ है तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका एम्ब्रियो है वो कितने दिन पर आपको ट्रांसफ़र किया है। अगर आपका फ्रेश एम्ब्रियो आपको ट्रांसफ़र किया है तो यूजली 30वें दिन या 5वें दिन आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर आपको 30वें दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है तो आपको बीटा एससीजी 14वें दिन पर करवाना होता है। अगर आपको 5वें दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है तो आपको 12वें दिन पर बीटा एससीजी करवाना होता है। जब बीटा एसीजी की वैल्यू आपको आएगी तो अगर 200 या 200 से ज़्यादा की बीटा एसीजी की वैल्यू आती है तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। इसको कंफर्म करने के लिए जो मैंने आपको टेबल बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से बीटा एसीजी उतने घंटे पर करवाना होता है। अगर बीटा एसीजी की वैल्यू दुगनी आती है तो ऐसा मान के चलें कि आपको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर बीटा एसीजी की वैल्यू दुगनी से भी ज़्यादा आती है तो हो सकता है कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी हो या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो। दूसरी कंडीशन होती है IVF में, जहाँ पर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है और जिस दिन आपका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके एग्जैक्ट 14वें दिन पर आपको बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट करवाना होता है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है, अगर बीटा एसीजी की वैल्यू 200 या 200 से अधिक आती है तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए आपको टेबल के अकॉर्डिंग दोबारा से बीटा एसीजी करवाना होता है। अगली कंडीशन होती है बीटा एसीजी की IUI के केसेस में, तो जिस दिन भी आपका IUI हुआ है उसके एग्जैक्ट 14वें दिन पर आपको बीटा एसीजी करवाना होता है। अगर बीटा एसीजी की वैल्यू 100 या 100 से ज़्यादा आती है तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। इसको कंफर्म करने के लिए आप दोबारा से बीटा एसीजी करवा सकते हो। और अगर बीटा एसीजी की वैल्यू डबल हो जाती है टेबल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया, तो आप मान के चलें कि आपकी जो प्रेगनेंसी है ये सर्वाइव कर जाएगी और एक अच्छी प्रेगनेंसी है, ये आप कन्फर्म कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी भी होती है जहां पर हम लोग बीटा एसीजी को एडवाइज़ करते हैं, जैसे कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, केमिकल प्रेगनेंसी, या फिर अगर किसी को ट्यूमर है तब भी ऐसी कंडीशन में बीटा एसीजी हम लोग एडवाइज़ करते हैं। तो टेबल के अकॉर्डिंग आप बीटा एसीजी करवा सकते हो। तो सपोज़ कीजिए कि अगर आपकी बीटा एसीजी की वैल्यू आपने करवाई और टेबल के अकॉर्डिंग और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जब आपने बीटा एसीजी कराया तो जो बीटा एसीजी की वैल्यू आई अगर 3 गुना 4 गुना आ रही है तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आपको मोलर प्रेगनेंसी होने के या फिर ट्यूमर सेल होने के या कैंसर सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बीटा एसीजी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो ख़राब हो रही है, या फिर एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, या फिर केमिकल प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ
बीटा एसीजी की वैल्यू तो बढ़ी लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये भी एप्टोपिक प्रेगनेंसी को इंडिकेट करती है या फिर ये अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर को भी इंडिकेट करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीटा एसीजी की वैल्यू दुगनी हो जाती है और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, मिसकैरेज, एप्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी जैसा मेंशन किया है तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत हो सकती है, तो आपको दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए क्योंकि बीटा एसीजी की जो वैल्यू आपको मिली है वो एक हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी को इंडिकेट करती है। अगली जो कंडीशन है वो है ओवुलेशन इंडक्शंस के दौरान जो आप ट्रीटमेंट लेते हो, लेट्रोजोल, क्लोमिफेन साइट्रेट या फिर आप डाइड्रोजेस्ट्रोन या फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन जैसी हार्मोनल पिल्स लेके आप कंसीव करते हो, और ओवुलेशन इंडक्शन के दौरान तो हम लोग एक इंजेक्शन भी देते हैं बीटा एसीजी, तो अगर आपको बीटा एसीजी का इंजेक्शन लगा है तो उसके एग्जैक्ट 20वें दिन पर आपको बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट करवाना होता है। सेम कंडीशन अप्लाई रहती है, अगर आपको 100 या 100 से ज़्यादा की वैल्यूज़ मिलती है तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जो आपको प्रेगनेंसी है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। इसको कंफर्म करने के लिए आपको दोबारा से बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट करवाना होता है। टेबल के अकॉर्डिंग अगर दुगनी वैल्यू मिलती है तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, आप ऐसा मान सकते हैं। अब कभी कभी पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि क्या सर हमें बीटा एसीजी दोबारा कराना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बीटा एसीजी की वैल्यू 1500 या 1500 से अधिक आती है तो आप एक ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करके भी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हो कि भाई जो प्रेगनेंसी की ग्रोथ है वो अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी कौन सी जगह पर है। ट्रांस वजाइनल जो सोनोग्राफी है वो वजाइनली होती है, योनि मार्ग से होती है, तो कई पेशेंट इनको कराने में हिचकिचाते हैं। तो दूसरी जो सोनोग्राफी है वो ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी होती है, सामान्य सोनोग्राफी जो कि पेट के ऊपर से होती है। इस सोनोग्राफी को कराने के लिए बीटा एसीजी की वैल्यू कम से कम 4500 होनी चाहिए। जब 4500 बीटा एसीजी की वैल्यू हो जाए तो आप एक नॉर्मल सोनोग्राफी करके भी अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।